हेलो गाइस, आप लोग सब कैसे हो। देखो आज मेरे पास यहाँ पर एक तो छोटा एम्पलीफायर किट है। आज इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका बारे जानेंगे और इसका क्या साउंड है आज देखेंगे, वो भी टेस्टिंग करके। बोर्ड को अभी बाहर निकालते हैं, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया है सामान, इसके अंदर क्या क्या है पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस बॉक्स देखने में कुछ ऐसा टाइप का, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो नेम जो है ब्लूटूथ ऑडियो बोर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर गोल्ड AP55 बोल के इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है। तो इसको पहले फटाक से खोल लेता हूँ और इसके अंदर क्या है पहले देख लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर खोलेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कुछ ऐसा सामान है। यहाँ पर कुछ तार देखने को मिल जाता है जो उसका साथ इनपुट हो जाएगा बोर्ड का साथ। तो यहाँ पर एक रिमोट देखने को मिल जाता है, जो कि रिमोट में यहाँ पर बहुत सारा बटन देखने को मिल जाता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक तो बोर्ड मिल जाता है और यहाँ पर खाली इसको भी साइड में रख देता हूँ। तो इसके अंदर बोर्ड है, बाहर निकाल लेता हूँ। तो बोर्ड गाइस देखने में कुछ ऐसा टाइप का है, आप लोग देख पा रहे हो। तो यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है गोल्ड AP55, जो कि एक ब्लूटूथ मॉडल की तरह देखने में लगता है। और इसमें बहुत ही अच्छा बात है, इसमें FM रेडियो भी है, आप लोग FM रेडियो भी चला सकते हो। उसका एंटेने का वायर यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही खर्चा हो जाता है, बहुत ही मेहनत हो जाता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे तो वीडियो बनाने में और भी अच्छा लगेगा। तो गाइस अभी वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में क्या है जान लेते हैं, ठीक है ना। तो गाइस इस बोर्ड का हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर ये बोर्ड का जो IC है, इसके अंदर जो IC लगा हुआ है वो है TPA3116D हिंदी लगा हुआ है। तो यहाँ पर चैनल स्टूडियो पावर डिजिटल पावर एम्पलीफायर बोर्ड है, MP3 प्लेयर है और ब्लूटूथ भी इसमें सपोर्ट है, आप लोग देख पा रहे हो। तो यहाँ पर सब कुछ आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत कुछ इसका बारे दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख के भी समझ सकते हो। इसका जो नाम है वो है गोल्ड AP55 ब्लूटूथ इसका नाम है। तो इसका जो चिप, इसका जो साउंड IC यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि हिस्सन के नीचे पे है, वो है 3116D जो बोल के IC आता है, वो IC लगा हुआ है। और इसमें वोल्टेज का बात करें तो यहाँ पर सब, तो यहाँ पर वोल्टेज आप लोग 8 से लेकर 12, 24 वोल्ट तक यहाँ पर लोग दे सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख के समझ सकते हो, ठीक है ना। जो होता है स्पीकर का आउटपुट, तो स्पीकर का जो आउटपुट होता है हम लोग का, एक यहाँ पर होता है और एक तो यहाँ पर होता है, ठीक है ना गाइस। तो ये दोनों स्पीकर हम लोग का 50 वाट करके देगा, आप लोग 4 ओम्स तक इसको चला सकते हो, ठीक है ना। सपोर्ट इसमें देखेंगे तो गाइस यहाँ पर ब्लूटूथ देखने को मिल जाता है 5.0, यहाँ पर ब्लूटूथ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर UDIC सपोर्ट है, आप लोग कंप्यूटर से इसको कार्ड हिसाब में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर FT कार्ड, यहाँ पर देख पा रहे FT कार्ड, मेमोरी कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। और इसमें आर्क सिस्टम दिया हुआ है और इसमें FM भी है, आप लोग FM भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर सब बटन इसमें दिया हुआ है, गाना आगे पीछे करने का, बैक बटन, नेक्स्ट बटन, पोज पॉज बटन, यहाँ पर बहुत सारा बटन का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कनेक्शन के बारे में बात कर लेंगे तो देखो गाइस यहाँ पर से आप लोग को वोल्ट को इन करना पड़ेगा। आप लोग जो भी वोल्ट इन करोगे 8 वोल्ट 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, तो यहाँ पर इन करना पड़ेगा, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पर देखो स्पीकर है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे लिखा हुआ है, देखो गाइस यहाँ पर स्पीकर बोल के लिखा हुआ है। तो आप लोग को यहाँ पर स्पीकर का लाइन है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो एक स्पीकर है, L बोल के लिखा हुआ है, L स्पीकर। तो यहाँ पर एक आप लोग के स्पीकर का कनेक्शन आप लोग को कर लेना है, तो बहुत ही सिंपल है। और इसको हम लोग कनेक्शन करेंगे, करके आप लोग को दिखाएंगे। तो यहाँ पर कुछ तार है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो। तो तार को पहले हम लोग यहाँ पर सबको इन कर लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। हम लोग सबका जो तार है यहाँ पर इन कर लेंगे हम लोग। तो गाइस यहाँ पर लगा लेता हूँ सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर बारी बारी लगा लेंगे एक एक करके, ठीक है। गाइस पहले हम लोग जैक को लगा लेंगे यहाँ पर। तो आप लोग को सामने से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए बहुत ही छोटा है ये वाला, तो सामने से दिखाने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं सामने से दिखा रहा हूँ गाइस। तो छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो आप लोग देख के समझ सकते हैं बहुत ही छोटा है। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे अभी, इसमें हम लोग कनेक्शन देंगे, कनेक्शन देखिए इसका साउंड टेस्ट करेंगे, इसमें साउंड कैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा देखेंगे अभी। तो इसे शेयर कर देना और वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। आप लोग वीडियो देखते हो मगर लाइक नहीं करते, लाइक कर दो और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पर हम फिटिंग कर लेता हूँ, यहाँ पर एम्पलीफायर का भी सेटिंग करेंगे, सब कनेक्शन जितना हम लोग कर लेता हूँ। वैसे यहाँ पर एक तो बॉक्स का है, आप लोग देख पा रहे हो, तो हम लोग बॉक्स का लाइन यहाँ पर बॉक्स में जोड़ देंगे यहाँ पर। तो हम लोग पहले सब प्लस माइनस जो है आप लोग को बॉक्स का ध्यान में रख के कनेक्शन करना है, नहीं तो आप लोग को साउंड अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को टेप कर लेना है, टेप मार लेना है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकता है। तो मैं यहाँ पर चेकिंग के लिए मैं यहाँ पर टेपिंग नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जरूर से टेपिंग कर लीजिएगा, टेपिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर दूसरा तार भी जोड़ लेता हूँ। तो याद से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पर पावर हम लोग जोड़ लो, पावर को हम लोग यहाँ पर कनेक्शन कर दे रहा हूँ। तो आप लोग पावर को कनेक्शन देख के लगाएं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कनेक्शन देख के लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर, हाँ यहाँ पर तार आप लोग को उल्टा उल्टा दिख रहा होगा। तो गाइस यहाँ पर मेरा जो केबल दिया है, केबल का तार जो है ना यहाँ पर उल्टा है, तो इसलिए हमको प्लस माइनस उल्टा करके लगाना पड़ रहा है, ठीक है। आप लोग अपना देख लेना अच्छा से, आप लोग तभी पावर का कनेक्शन कर देना। और उल्टा लगाओगे तो बोर्ड चलेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, कोई बात नहीं। यदि नहीं होगा तो आप लोग फिर तार को आपस में घुरा लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो गाइस यहाँ पर
आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर पावर का कनेक्शन कर लिया। आप लोग अपना अपना प्लस माइनस देख के लगा लेना है, तभी हम यहाँ पर बता दूंगा। यहाँ पर ई साइड वाला जो होता है ये वाला जो होता है प्लस होता है, और ई वाला साइड जो होता है वो ग्राउंड होता है। तो मेरा यहाँ पर तार केबल का तार जो होता है उल्टा है, इसलिए यहाँ पर से तार को घुमा लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर घुमाया नहीं, आप लोग घुमाना घुमा सकते हो, मैं इधर से घुमा लिया है, कोई बात नहीं है, प्लस माइनस उल्टा है, कोई बात नहीं, चलेगा। इसमें पावर देंगे, पावर देने से पहले ये वाला एक ठो बॉक्स है यहाँ पर, और यहाँ पर एक ठो बॉक्स है, आप लोग देख पा रहे हो, तो दोनों बॉक्स को प्ले करने वाला है। देखो गाइस, यहाँ पर हम लोग का ब्लूटूथ जो है यहाँ पर चालू हो गया। अब इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके देखेंगे इसका साउंड कैसा दे रहा है। आप लोग कमेंट, आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अच्छा नहीं भी लगा तो भी कमेंट कर देना। तो ब्लूटूथ को प्ले करता हूँ, और स्पीकर का अपना हाथ से रंग किया है, ठीक है ना गाइस। तो गाइस, आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग लाइक जरूर से कर देना, वीडियो को शेयर जरूर से कर देना, और ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, वीडियो को और लंबा नहीं करता हूँ, मिलता हूँ तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग